नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कश्मीर फाइल जो मूवी थी कहीं ना कहीं फिर एक बार जो है विवादित में विवाद इसलिए उठा क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड इसराइल में जो हुआ, इसराइल के कहीं ना कहीं नागरिक वहां के रहने वाले जो फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा था उसमें उन्होंने कहा कि प्रोपोगंडा जो पिक्चर है ये जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। अब बनाई तब गई थी क्योंकि इसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो पार्टियाँ हैं, इनडायरेक्टली बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो फ़ायदा था वो लेना था, और अब इसराइल के साथ साथ कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी जो है इसको सपोर्ट कर दिया इस चीज़ को। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुनील पंता जी जुड़ेंगे, इनसे बात करूँगा आखिरकार हुआ कहता है। सुनील जी, जब कश्मीर फाइल्स आई थी आपने भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों को समझाने की, लेकिन अब तो इसराइल के फिल्म फेयर अवार्ड में ये चीज़ बोलेगी, आप किस तरह देखते हैं उस पर? देखिए, फिल्म जब बनी थी हमने तब भी कहा था इस फिल्म से जो है हमें नुकसान है, चूँकि यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीजेपी जो है डिक्लेयर कर दे कि मेरा कोई रिश्ता कश्मीर में नहीं है। अगर मेरा रिश्ता कश्मीर में है तो इस तरीके की फिल्में जो है वो और ज़्यादा जो हमारे लिए परेशानियाँ होंगे। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है, जिस हिसाब से बाकी कश्मीरी पंडित अनंबलायु की किलिंग हुई है, उसका जिम्मेदार ऐसी ऐसी कश्मीर फिल्में हैं। और मुझे लगता जो इसराइल के जो डायरेक्टर आए थे, मुझे लगता उन्होंने भी यही देख के उस फिल्म को रिजेक्ट किया, चूँकि देश सबका है, देश खाली हिंदू का, खाली मुस्लिम का नहीं है, ये देश जो है सबका है। बाकी कश्मीर की बात जो है सन 1990 में मुझे आज भी याद है जब वहाँ पर ऐसे स्लोगन चलते थे कि नालोई तकदीर अल्लो अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह, एस के शासन पाकिस्तान बट ओवर पाकिस्तान, बट वेयर वॉज द गवर्नमेंट, वेयर वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के जो जितने भी हुक्मरान हैं वो कहाँ थे? इवन आज तक भी जो है क्या उन पर कोई एक्शन हुई, क्या किसी आदमी की गिरफ्तारी हुई कि इतने कश्मीरी पंडितों के मकाने वहाँ पर जो जलाए गए सन 1990 के बाद, उसके बाद जो अब तक क्या किसी भी कश्मीरी पंडित के मकान का जो पर्चा लगा, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? तो आप ऐसे फिल्में बना के जो है और जो है हमारे जख्मों पर जो है क्रोच रहे हो, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब यूपी का इलेक्शन था तब उस समय जो है द कश्मीर फाइल आई थी, जबकि अनुपम खेर साहब जो है कभी कश्मीर में रहे ही नहीं, विवेक अग्निहोत्री को तो पता ही नहीं है कश्मीर है क्या। और दूसरी बात, आज आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से गुजरात का इलेक्शन है और दिल्ली का इलेक्शन है, तुरंत जो है फिर कश्मीरी पंडित को जो आज बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई फिल्म तो फिल्म है, फिल्म थोड़ी ना कभी जो है 100% रियलिटी हो सकती है, और रियलिटी तो आज है जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों की शहादतें हो रही है कश्मीर में, और वो भी बीजेपी सरकार के प्रेजेंस में, और शर्म नहीं आती है इनको जो है फिर आज जो है क्या कश्मीरी पंडित को जो है आज के डेट में फिर जो है बेच रहे हैं, और कुछ हमारे दलाल हिंदुस्तान से बाहर रह के जो हमारा सौदा कर रहे हैं, मैं उनको भी वार्न कर रहा हूँ आप इस तरीके की हरकत मत कीजिए, चूंकि हमारा खून हमारा जान जो आज के डेट में भी कश्मीर में है। गुजरात इलेक्शन है, गुजरात फाइल्स भी बननी चाहिए थी, गुजरात में भी इस तरह के दंगे हुए थे। देखिए, हम तो इस चीज़ के साथ नहीं है कि जिससे देश को नुकसान है, जिससे देश टूटता है, हम उस चीज़ के साथ है जिसमें हर समुदायों के लोग जो है, हर मजहब के लोग जो है इकट्ठे रहेंगे, जिससे जो है देश कामयाब होगा। जैसे आप देख सकते हैं बाहर विदेशों की बात मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर कोई ये नेता कोई भी ये जो है पॉलिटिक्स नहीं है धर्मों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर सिंपल सी बात एक ही है, वहाँ पर जो है आपको एक डेवलपमेंट होती है, वहाँ एक जो है क्राइम फ्री सिस्टम है, वहाँ एक जो है करप्शन फ्री सिस्टम है, लेकिन मेरे देश में खाली जो है मजहबों को बांटने की काम हो रहा है, जिससे जो है जो हमारे हुक्मरान है, जो हमारे पॉलिटिशियन है, उनके दुकानें चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ना दें, इनको तो अपनी रोटियां सीखनी है, हमें अपनी इंसानियत को जो है जिंदा रखना है। पार्लियामेंट में खड़े हो गए वित्त मंत्री ने एक बयान दिया था कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनके लिए एक जिनोसाइड जो है जिनोसाइड घोषित करना चाहिए, सिर्फ बात की लेकिन जिनोसाइड घोषित नहीं हुआ। आपने भी ये बात कही, इतना कुछ हुआ, एक पर्चा तक नहीं लगा, आज तक जो है वो गोलमोल रखा गया है। जब इलेक्शन आती है कश्मीरी पंडितों को कहीं ना कहीं यूज जो करने का काम है। आपसे वही कह रहा हूँ, आज भी इलेक्शन है आपकी जो है गुजरात में और दिल्ली में, आज भी जो है कश्मीरी पंडित को हिंदुत्ववादी के नाम पर बेचा जा रहा है, जबकि कश्मीरी पंडित वो चीज़ है जिसने कभी भी जो है देश में जो है किसी भी तरीके की जो है कोई अहिंसा नहीं फैलाई थी, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पॉलिटिशियन है ये इस कश्मीरी पंडित को जो फिर जो है बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो है क्या इस चीज में जो है क्या सरकार क्या कोई एजेंसी जो है इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं हाथ रख दिया कि हाँ, उन्होंने भी आज जो है मैं देख रहा था अभी कोई ट्विटर में पढ़ रहा था, अमेरिका के जो है जो
फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी जो है इसराइल को जो है सपोर्ट दिया। और मैं कहता हूँ ये पिक्चर उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है जब मैंने पीछे बोला था कि ये पिक्चर आपने दिखा दिए लेकिन आप इसमें ये भी दिखाते ना कश्मीरी पंडित के साथ यहाँ क्या हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ने क्या किया, यहाँ के मतलब किस हिसाब से हम लोगों ने जो है किस हिसाब से जो है ज़िंदगियाँ गुजारी, हम लोगों ने टेंटू में कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमने तभी ये बात कही थी। लेकिन कुछ बीजेपी के दलालों को मिर्ची लगी है, मेरे ऊपर जो है क्या उन्होंने अटैक्स भी किए, घर पर आके जो हमले किए, लेकिन भगवान की दुआ से हम डरेंगे नहीं, सच्चाई की लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। चूँकि बहुत हो गया 32 साल से जो है जितने भी गवर्नमेंट आई उन्होंने खाली जो हमारे नाम पर वोट सीखे और कुछ नहीं। लेकिन खैर साहब तो बोल रहे थे कहीं ना कहीं उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बोला कि 25 साल हो चुके हैं, उनको ये नहीं पता है कि 32 साल है कि 25 साल है। अनुपम खैर साहब बोलते हैं कि 25 साल हो गया, अभी मैं भी रिसेंटली 2 दिन पहले सुन रहा था, जबकि उनको बता दीजिए श्रीमान जी 33 साल हो गए अब मेरे जैसे युवा को सड़क पर कि मेरी घर वापसी कब होगी, मेरा जो है जस्टिस कब मिलेगा। आपने तो पिक्चरें बनाई, 800 करोड़ रुपया आप लोगों ने कमा लिए, आप लोगों ने ऐश तो किए उस पैसे का, काश आप उस पैसे में जो है कि इस समय जो पुरखू कैंप में जो लोग बैठे हैं, जो एम्प्लॉय बैठे हैं, जो हमारे आज के डेट में इस समय जो है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज की डेट आप नोट करके रख लीजिए 4 दिसंबर 2022, इस समय जो है कहीं पेशेंट जो है हॉस्पिटल में, इस समय जो है बख्शीनगर हॉस्पिटल में है, मुझे पता है सुबह से मैं कितनी मिन्नतें कर रहा हूँ उनके लिए, लोगों को कि भाई उनको थोड़ा बहुत जो है क्या पैसा दे दीजिए ताकि वो अपने पेरेंट्स को जो है वहाँ पर जो ट्रीटमेंट करें, लेकिन उनको अपने ऐशू से कोई फुर्सत नहीं है। कश्मीरी पंडित को बेचने के लिए वो कामयाब हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में यही कश्मीरी पंडित, यही जनता जो है उन्हें जवाब देगी। देखिए यही कश्मीरी पंडित, यही जनता जो है वो जवाब देगी। कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स तो जरूर बनाई, लेकिन उस कश्मीर फाइल्स का इंडायरेक्टली फ़ायदा किसको मिला? इलेक्शन के वक्त में हर बार कश्मीर फाइल का जो मुद्दा है वो निकल के सामने आता है, पहले भी आया और अब भी आया। कहीं ना कहीं अब अमेरिका ने भी हाथ रख दिया, अमेरिका के एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो पिक्चर थी ये प्रोपोगंडा पिक्चर जो है सामने नज़र आ रही है। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।